अखिल भारतीय खटिक समाज के तत्वाधान में समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के कई हिस्सों से समाज के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित हुए। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की, प्रस्तुत है बातचीत के मुख्य अंश। लावाड़िया जी, ये बताइए, इस संगठन को आप कितनी सालों से चला रहे हैं और क्या सोच के आपने इस संगठन का गठन किया? हमने 26 जुलाई 1942 का निर्माण हुआ था। 13 आपकी काफी उम्र हो चुकी है इस संगठन के माध्यम से संघर्ष करते करते, क्या कारण रहा खटीक समाज बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना नहीं पाया? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे समाज में शिक्षा का बड़ा अभाव था। शिक्षा के अभाव के कारण वो समझ नहीं पाए थे और मनुवादियों के चक्कर में पड़ गए। वो हमारी आदमी ऐसे आदमियों को पूछते थे जिन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त थे और उनके प्रभाव में आके वो हो गए। डॉक्टर अम्बेडकर को जानने नहीं समझा नहीं, जब हमने होता है तो हमने उनको बताया तो कुछ लोग अम्बेडकर वादी हो गए और वो काम कर रहे हैं। आने का मकसद मेरा इतना था, जो मैं संगठन चलाता हूँ उसका मकसद ये है कि जितने हिंदुस्तान में संगठन है, वो तमिलनाडु में, राजस्थान में, मद्रास में, केरल में हो, हरियाणा में हो, कहीं भी हो, उनको सबको एकत्र करना मेरा उद्देश्य है। मैंने ये सोचा, मैं 40 साल से सर्विस में आया था, पहले सर्विस से मैं राजनीति में चला गया और मैं संगठन भी चला रहा हूँ काफ़ी सालों से। तो मेरा मकसद केवल एक है, हमारे साथ जैसे हमारे साथ ही पुराने साथ हम चार हिंदुस्तान के लोग जाए। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम रामकृष्ण छिलेरिया है। एडवोकेट हूँ मैं और भारत सरकार से डिप्टी सेक्रेटरी के पद से रिटायर हूँ। आप सर किस संगठन में काम कर रहे हैं? अखिल भारतीय खटीक समाज में मैं राष्ट्रीय संरक्षक मंडल में हूँ और कई वर्षों से इस संस्था से जुड़ा हूँ। इस संस्था में मैं एक बार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी रहा हूँ और इस संस्था में जितने अच्छे कार्य होते हैं इसी वजह से मेरा मन इस संस्था में लगा है। समाज सेवा करने का एक अच्छा ये साधन है, एक अच्छा तरीका। ये सर खटीक समाज को कई राज्यों में जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में ऐसा सर क्यों है? क्या आप ये संगठन बहुत पुराना है, ये संगठन कितनी लड़ाई लड़ी है सर ऐसे समाज के लिए? इस तरह इस संगठन ने काफी कई बार अनुसूचित जनजाति आयोग को, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति आयोग को, जो जैसे चक समाज में भी एक विकृति है उसको कहीं पिछड़ों में रखा गया है, कहीं एससी एसटी में रखा है, उस पर हमने काफी लिखा पढ़ी की है। कई बार हम कमीशन में मिले हैं, कमीशन में गए हैं, अनेक पत्र लिखे हैं और अभी भी हम 27 तारीख को एक बहुत बड़ा विशाल चक समाज के लिए चल रहा है, उस पर भी हम लोग यहाँ से भी जा रहे हैं, तमाम इकट्ठे होंगे और सरकार को ज्ञापन देंगे। अखिल भारतीय खटीक समाज के संरक्षक हैं, खटीक समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज जो मीटिंग करी है किस विषय में करी है? खटीक समाज संगठन कमेटी का मेंबर आठ आ रहे हैं, चीफ इंजीनियर दिल्ली सरकार सेवा निवास। आज का उद्देश्य आज तो ये रहा कि समाज को बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा से अवगत कराना और ये मैं एक सत्य स्वीकार करता हूँ कि बाबा साहब की विचारधारा जो कि दलित एससी एसटी का एक लीग है, उन्होंने जो निर्देश आदेश दिए उनका उनके आधार पर ही दलित का उद्धार हो सकता है। लेकिन ये सत्य है कि प्रत्येक समाज उनकी विचारधारा से बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं आ पाया। रीज़न उसका ये रहा क्योंकि
इस समय मेरे समाज में, पथिक समाज में इतनी शिक्षा नहीं थी, शिक्षा का प्रसार नहीं था, इसलिए उनका उनसे निकटता नहीं बन पाई, बाकी जो समाज में जो नजदीक जा पाए। लेकिन अब भारतीय समाज का मुख्य उद्देश्य ये है कि पथिक समाज बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करने के लिए गली गली जाएगा, मोहल्ले मोहल्ले जाएगा, उनके बताएगा कि अगर समाज का उद्धार होना है तो केवल केवल बाबा साहब के विचारधारा से ही होगा। आज अखिल भारतीय कथित समाज जिसका कि मैं संगठन महासचिव हूँ, पूरे हिंदुस्तान में लगभग 13-14 प्रदेशों में बन चुका है। ये दिल्ली जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, प्रदेश की राजधानी, उसको संगठन बनाने के लिए हमने ये मीटिंग कॉल की थी, जिसमें इसका रूप किस तरह से हम दे सकें, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर के पदों पे चल के हम अपने समाज की शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक तरक्की जिस तरह भी कर सकें, उसके लिए ये संगठन बनाया, उसके लिए आज ये विस्तारीकरण के लिए ये बैठक। बाबा साहेब अम्बेडकर की बात आई तो खटीक समाज में कितने खटीक समाज के व्यक्ति हैं वो बाबा साहब को मानते हैं और फॉलो करते हैं? जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि खटीक समाज बाबा भीमराव अम्बेडकर को बहुत देर से जानता है, जबकि अन्य जातियां जो उपजातियां अनुसूचित जनजाति वो बहुत पहले जाके काफी आगे तरक्की पॉलिटिकली और एजुकेशन और बाकी विशेष IPS IAS पदों पे जाते, क्योंकि ये खटीक समाज एक थोड़ा खाता पीता और एक सब अपना बिजनेस में रुचि रखने वाला समाज था, वो उसको नहीं पहचान पाया। हम बड़ी देरी से बाबा राव भीमराव जी को पहचाने हैं, लेकिन अब हम इसके लिए बहुत सतर्क हैं। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो मुख्य सिद्धांत शिक्षा, एकता और संघर्ष, उसके बगैर हम बाकी अन्य अनुसूचित जाति जनजाति के साथ मिलकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये खटीक जाति इसको जान चुकी। क्या कांग्रेस खटीक समाज को कितने लोगों को आगामी 2019 में इलेक्शन लड़ाएगी? सर, कांग्रेस ने कुछ हमारे दिल्ली में यमुना पार में कुछ लोगों को निगम का टिकट दिया है, निगम का टिकट दिया है, जैसे कि हमारे सुषमा सिंह बागड़ी यमुना विहार से और हमारे निगम के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो कांग्रेस ने कुछ हमारे समाज के लोगों को टिकट दिया है, लेकिन जिस हिसाब से हमारी आबादी जनसंख्या है उस हिसाब से ये सब कम है। इसका कारण ये है कि हमारे लोग जागरूक बहुत कम हैं। अब संगठन मजबूत बन रहा है, संगठन मजबूत होगा तो हम अपने समाज के लिए पार्टी से टिकट मांगेंगे, ये नहीं कि अपना बल दिखा के और अपने समाज के लिए टिकट मांगेंगे। और हमारे समाज में जमुनापार में दिल्ली में हमारे अपने लोगों की कमी नहीं है, सिर्फ इसलिए यह कि हम लोग एक एक छत के नीचे इकट्ठे नहीं है और हमें एक छत के नीचे इकट्ठा होना चाहिए, और जब तक हम एक छत के नीचे इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। आप बताएं खटीक समाज में क्या जिम्मेवारी मिली है आपको? सेवा करने का बनाया गया है। देखो, हमारी नीति रहेगी जो खटीक समाज का शब्द है, खटीक जो भी कहीं है वो एक रहे, एक वंश के नीचे रहे, एक झंडे के नीचे रहे, एक पार्टी बना के रहे तो अच्छा है। कोशिश हमारी ये रहेगी इसको सबको इकट्ठा करें और एक समय जो है।